now we are going to study learning to live according to gender norms learning to live according to unjust gender norms and expectations is a limiting for girls and boys however evidence suggests that gender norms have a particularly profound impact on the agency and empowerment of girls and on their expectations for the future yeah, gender norms पेरेंट्स की तरफ़ से वालदान की तरफ़ से कम्युनिटी की तरफ से बच्चों के लिए बनते हैं उन्हें बड़े हो क्या करना है अगर वो ख़ातून हैं बच्ची है तो उसके लिए क्या चीज़ें हैं और लड़कों के लिए क्या चीज़ें हैं तो खुद ही वालदेन उनको एक्सपेक्टेशन जो हैं वो बताते हैं अब एक्सपेक्टेशन्स बताते हैं तो बच्चे चूँके उसी के अंदर रह रहे होंगे तो वो सीखेंगे भी वही और अमल भी उसी पर करेंगे इन अ रीसेंट यू एस स्टडी रिसर्च इज फाउंड एज ऑफ सिक्स गर्ल्स वर लर्निंग द कामन स्टीडी टाइप दैट एसोसिएट्स हाई लेवल इंटेलैक्चुअल एबिलिटी ब्रिलियंस जेनियसनेस विद मैन मोर देन वेमेन अब देखिए ये अमेरिकन स्टडी है कि भाई छोटी बच्चियों ने पेरेंट्स की तरफ से वालदेन की तरफ से और टीचर की तरफ से ये सुना कि बच्चे ज्यादा लड़के ज्यादा, ज्यादा जहीन हैं लड़कियाँ कम हैं या लड़कियां आर्ट्स पढ़ेंगी और लड़के साइंस या मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो अगर शुरू से ही आप एक्सटीरियोटिपिकल थॉट उनके अंदर इनकलकेट कर देंगे कि उनमें उनमें से कौन क्या कर सकता है तो फिर वो वही करने की कोशिश करता है अगर उनको ओपन छोड़ दिया जाए और उनकी मदद की जाए कि वो ख़ुद एक्सप्लोर करें उनको क्या अच्छा लगता है वो क्या कर सकते हैं और ये कहना ज़रूरी है के बच्चों को भी कि वो सब कुछ कर सकते हैं और बच्चियों को भी कि वो सब कुछ कर सकती हैं हाँ अगर कोई बहुत ही अखलाकी लिहाज से गलत काम नहीं है तो बाकी चीजें करने की उनको इजाजत मिलनी चाहिए सो इन टू थाउजेंड सिक्सटीनसिफ स्टडी फाउंड टाइप्स ऑफ हाउस होल्ड कोर्स कॉमनली अंडरटेकन बाई यंग गर्ल्स लाइक प्रिपेयरिंग फूड ट्रेनिंग एंड केयरिंग फॉर अदर्स नॉट ओनली सेट द स्टेज फॉर अन एकवल बर्डन लेटर इन लाइफ बट कैन ऑल्सो लिमिट गर्ल्स आउटलुक एंड पोटेंशियल वाइल दे आर स्टिल यंग अभी बच्चियाँ जब बहुत छोटी ही होती हैं तो सबसे पहले तो ये कि वो अपने वालदा का अपनी माँ का जेंडर रोल देखती हैं कि वो क्या कर रही हैं हाउस कोर्स कर रही हैं और बाकी लोगों की हेल्प करना भी उनका काम है और जो उनका वालद है उसकी खिदमत करना भी उनका काम है तो जो जो सीखे देखेंगे वही सीखेंगी ये इस पर काम करने में बुराई नहीं है लेकिन जो बात हम कहना चाहते हैं वो तखसीस की बात है कि उसमें उसकी डिस्टिंगटिवनेस को ख़त्म करना है अगर घर के काम करने हैं बच्चे बच्चियों दोनों को उसमें इन्वॉल्व किया जाए अगर बड़ों की खिदमत करनी है बच्चे बच्चे दोनों को उसमें इन्वॉल्व किया जाए तो उससे एक रोल आइडेंटिटी ये बनेगी कि सबका काम है बड़ों की खिदमत करना सबका काम है अपनी खिदमत करना खुद को मैनेज करना अपनी सफाई सुथराई करना तो फिर सारे ही बराबर की जिम्मेदारी लेंगे हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ अर्न लेस स्टीम एंड लेस वर्थ एज कम्पेयर टू अर्निंग एक्टिविटीज एंड इट नज गर्ल्स एम्बिशन और अगर हम ये कह दें कि बच्चियाँ जो हैं वही सिर्फ घर के काम करेंगी और जो बच्चे हैं या लड़के बड़े होकर वो तो नहीं करेंगे घर का काम वो बस बाहर की एक्टिविटीज करेंगे तो हमने खुद ही ना सिर्फ उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया बल्कि हमने ये भी बता दिया कि हाउस कोर्स की तो अहमियत कोई नहीं और जिसकी अहमियत नहीं है वो बच्चियाँ करेंगी जिस काम की और जिस काम की अहमियत है वो लड़के करेंगे अब बड़ी दिलचस्प बात है हमारे माशरे में जैसा कि हमने पहले भी आपको एक रिसर्च स्टडी का फाइंडिंग्स बताए हैं कि लड़की लड़के जो हैं वो तीस फीसद घर के काम यानी कोई भी काम सिर्फ घर का ही नहीं बच्चों से काम करते हैं तो मतलब ये कि अगर लड़का बाहर जाके अभी कमाना शुरू नहीं भी किया अभी कोई वो फ़राइज अदा नहीं कर रहा कुछ भी अभी बाहर नहीं कर रहा तो भी वो घर के काम नहीं करेगा क्योंकि उसे नहीं करना तो ये एक आ, ऐसी चीज़ है जिसके बारे में अवेयरनेस पैदा की जानी चाहिए शुरू दिन से जब बच्चे प्री स्कूल में हमारे पास आते हैं कि जैसे बच्चे खिलौने से जब खेल रहे होंगे तो हमारी कोशिश ये होगी कि वो मिल समेटें ठीक है और जब कमरे को साफ करने की बारी आएगी तो वो मिलकर करेंगे और जब चीज़ें शेयर करने की बारी आएगी तो वो तो सब एक दूसरे से शेयर करेंगे और जब किसी की हेल्प का वक्त होगा तब भी सब करेंगे मतलब आप किसी को मखसूस नहीं करेंगे कि आप सिर्फ़ मदद करने को हैं आप बाहर आउट गोइंग हैं आप हाउस कोर्स करेंगे आपने फलां करना है, आपने फलाँ ये डिस्टिकशन या डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं है तो हमें शुरू दिन से बच्चों की ये तरबियत करना है कि आने वाले दिनों में जो भी जिम्मेदारियाँ वालदे से रिलेटेड हैं घर से रिलेटेड हैं या घर से बाहर से रिलेटेड हैं वो सब उसको इक्वली कर सकते हैं उनके अंदर ये कैपेबिलिटी है और उनकी जिम्मेदारी है उन्हें करना चाहिए